जय हिंद। आई इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में, कैसे कैसे आते हैं हमारे समुद्र में ये सब, और किसके कारण आते हैं, किस टाइप से आते हैं, सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। बस आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए कुछ आपको बात बताते हैं, ये माइंड सेट कर लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। ये चक्रवात क्या है? चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, ठीक है, तथा बाहर उच्च दाब होता है। चक्रवात के अंदर साइड में, केंद्र साइड में निम्न दाब होता है तथा बाहर साइड में उच्च दाब होता है। हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। देखिए दोस्तों, इसका क्या होता है, माना कि यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, साइड साइड से पेड़ लगे हुए हैं, और बीच में है कि खाली जगह है। तो जैसे बीच में खाली जगह है तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ की हवा ऊपर उठ जाएगी, तो साइड साइड का जो पेड़ पौधा है वो अपना हवा इसके तरफ भी भेजने लगेगा। तो यही बोला बोला है इसी में कि बाहर की हवा इसमें अंदर आती है। और एक होता है कि प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि देखिए, गोल बीच में जो रहेगा सो पेड़ पौधा रहेगा, बीच में पेड़ पौधा रहेगा ये समझ लीजिए, और साइड साइड से खाली रहेगा। तो इसमें क्या होता है, चक्रवात में क्या होता था कि बाहर की हवाएं अंदर आती थी, लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अंदर की हवा बाहर जाती है। तो इतना ध्यान रखें। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या हुआ है, क्या हुआ है इसमें, कैसे हुआ है, तो बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा। देखिए विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो रहता है वह उष्णकटिबंधीय रहता है, उष्णकटिबंधीय बोला जाता है इसको, और इसके ऊपर साइड शीतोष्ण कटिबंधीय और नीचे साइड शीत कटिबंधीय। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे बना दिए हैं हम ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात कैसे आते हैं, सॉरी ये प्रति चक्रवात है, एंटी क्लॉकवाइज आता है। देखिए क्या होता है, उच्च दाब रहता है, बाहर से अंदर की ओर आता है हवा इसमें, तो एंटी क्लॉकवाइज आता है। और क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध है, ये देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। आप ये तो जानते होंगे, पूरब इधर पश्चिम, दक्षिण नीचे, उत्तर ऊपर, इतना कॉमन सेंस है, सब पता रहना चाहिए। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो लेफ्ट, जो देखिए दक्षिणी गोलार्ध की हवा अपने लेफ्ट बाईं ओर घूम जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने लेफ्ट और बाईं घूम जाती है, ध्यान से देखिएगा। और देखिए उत्तरी में क्या होता है, इसी का अपोजिट राइट साइड घूम जाती है, याद हो गया। अब देखिए चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में हवा जो होता है इसे राइट साइड घूम जाता है, और वही उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्या होता है कि वो अपने लेफ्ट साइड घूम जाता है। इतना याद हो गया। तो ये नॉर्मल चीज़ थी बताने के लिए कैसे आता है। अब देखिए कौन कौन सा चक्रवात कहाँ पे आता है, तो देखिए हम सब जगह नंबरिंग कर दिए हैं, नंबरिंग, ताकि आपको अच्छा से याद रहे। देखिए एक यहाँ पे आता है चक्रवात कैरेबियन सागर में, हिरेकिन चक्रवात, हिरेकिन चक्रवात आप याद कर लीजिएगा ये सब, यहाँ पे हिरेकिन चक्रवात आता है। और इसी के ऊपर देखिए दो नंबर में अमेरिका में ये आता है टर्नेडो, टर्नेडो चक्रवात अमेरिका में सबसे ज़्यादा आते रहता है, टर्नेडो चक्रवात। और देखिए एक दो हो गया, तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पे भारत के नीचे साइक्लोन चक्रवात, अभी बंगाल की खाड़ी से उठा था चक्रवात, साइक्लोन चक्रवात कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और देखिए चार नंबर में यहाँ पे है, ये यहाँ पे है कौन चक्रवात है, नीलम चक्रवात, ये बांग्लादेश के पास उठता है। और पाँच नंबर पे है टाइफून चक्रवात, दक्षिणी चीन सागर में उठता है। तो ये जो